गया जिला के डोभी थाना क्षेत्र के बहेरा में घोषणा के 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार बहेरा डाक बंगला के पास ओपी थाने का उद्घाटन किया गया और बहेरा ओपी का विधिवत उद्घाटन एसएसपी आशीष भारती ने फीता काटकर किया। स्टेशन डायरी की पहली एंट्री एसएसपी ने खुद की और इसके पहले एसएसपी को पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसएसपी ने बताया कि बीते 2021 को सरकार के आदेश से बहेरा ओपी का सृजन किया गया था। ओपी के संचालन के लिए एसआई एक और 2 सेक्शन सिपाही की पदस्थापना की गई और ओपी को वाहन समेत सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ओपी के पहले अध्यक्ष के रूप में पवन कुमार सिंह को पदस्थापित किया गया है। मौके पर एएसपी डॉक्टर के रामदास, एएसआई सौरभ कुमार, डोभी थाना अध्यक्ष आलोक कुमार, एसपी हिमांशु कुमार आदि सिपाही मौजूद रहे। आपको बताते चले कि डोभी प्रखंड क्षेत्र के बहेरा डाक बंगला के पास नव ओपी खोलने को लेकर गुरुवार को एसएसपी आशीष भारती ने स्थल पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और ज्ञात है कि डोभी चतरा सड़क मार्ग में बिहार झारखंड बॉर्डर के समीप बहेरा में ओपी खोलने का सरकार ने अनुमति दी है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने शेरघाटी एसएसपी के रामदास को डोभी थाना अध्यक्ष आलोक कुमार को 15 अगस्त से पहले इस ओपी का उद्घाटन करने के लिए पूरी व्यवस्था करने का निर्देशित किया है। प्रारंभ करा दिया गया है। यह क्षेत्र झारखंड राज्य से सटा हुआ है, जहाँ से झारखंड का बॉर्डर मात्र 2 किलोमीटर दूर है और काफी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में जो पूर्व से नक्सल गतिविधियां रही हैं, जिसके रोकथाम में इस ओपी के बन जाने से काफ़ी सहायता मिलेगी और यह डोभी ओपी से काफ़ी दूर पड़ता था और बाजा चट्टी थाने से भी काफ़ी दूर पड़ता था। इसी कारण यहां पर जो आम नागरिकों को जो पुलिस से जो जो उनको पुलिस के पास जो समस्याएं लेकर के जाना होता था तो काफ़ी दूर पड़ता था, उनको समस्याएं ज़्यादा होती थी। इस कारण यहाँ पर ओपी बनाया गया है कि उनको जो समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से किया जा सके और इसमें डोभी ओपी के 2 पंचायत हैं और बाराचट्टी थाना का 1 पंचायत है, तो टोटल कुल 3 पंचायत का यह ओपी है और यह एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है और पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए और नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए और इस पूरे ओपी क्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में यह काफ़ी प्रभावकारी होगा और मैं यहाँ के आम नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसमें सहयोग करें और आसूचना का शेयर करें और मैं अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग सभी इस क्षेत्र के वासियों को एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और उनको बेहतर सेवा। अभी देखिए कई वर्षों से जो लगातार कार्रवाई की जा रही है नक्सलियों के विरुद्ध और उसमें उसके कारण नक्सल गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है और इस पूरे क्षेत्र में लगातार जो नक्सली नेता हैं या फिर जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और अभी इस क्षेत्र में काफ़ी शांति है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि इस क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण टाटा का सोलर प्लांट है, तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह ओपी का निर्माण किया गया था, तो उसकी सुरक्षा को भी ये बेहतर तरीके से।